If none of A, B and C is 0, using the properties of determinant, prove that minus BC B square plus BC C square plus BC A square plus AC minus AC C square plus AC A square plus AB B square plus AB minus AB equal to AB plus BC plus CA का whole cube. इसके लिए आपको इसको solve करना है. तो यहाँ जो आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, उस डिटर्मिनेंट में आप देख रहे होंगे कि कुछ पावर्स जो हैं वो स्क्वायर, कुछ नंबर में स्क्वायर्स वाले भी हैं, जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर वगैरह. तो लेकिन जो रिज़ल्ट है उसमें सभी ए बी बी सी सी ए इस फॉर्म में हैं. तो हमारे को जो है इसको स्क्वायर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जो है हम इसका आंसर पा सकते हैं. तो उसका एक जो बेस्ट तरीका ये होता है कि रो को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप उसको कॉलम्स में से सब वो डिवाइड करके बाहर निकाल लें, या कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें और रो में से बाहर निकाल लें, तो इस तरह से आप पावर्स को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ जो है हम माइन, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली जो रो है उसके अंदर एक नंबर कोई नहीं है, तो हम फर्स्ट रे वाली रो को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर वन की जगह ए आर वन लिखेंगे. और सेकंड वाली में बी नहीं है रो में, तो इसको जो है बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर टू की जगह बी आर टू लिखेंगे. इसी तरह थर्ड वाली रो में सी नहीं है, तो आर थ्री को सी आर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरह से हमारे पास जो है ये सारी जो है रोज जो है उसमें जितने भी वो नंबर हैं उनमें जो भी इसमें दे रखे हैं एलिमेंट्स, सब में जो हैं ए बी सी तीनों ही आ जाएंगे. तो इस तरह से फर्स्ट वाली रो हुई माइनस ए बी सी और ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, और सेकंड वाली रो हो गई ए स्क्वायर बी, और इसको बी से मल्टीप्लाई किया था तो, और ए सी को किया तो ए बी सी प्लस के हो गए, और माइनस के सी को किया तो माइनस के ए बी सी, सी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी स्क्वायर, और ए सी को किया तो प्लस के ए बी सी हो गए. अब थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई किया है, तो ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, और प्लस में ए बी को करेंगे तो ये प्लस के ए बी सी हो गए. इसी तरह से बी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी, और ए बी सी को करेंगे ए बी को करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा. इसी तरह से माइनस ए बी को करेंगे तो माइनस के ए बी सी आ जाते हैं. अब हमने, क्योंकि जितने जिस जिस नंबर रो को, जैसे फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ए से डिवाइड किया, अगर फर्स्ट सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर बी से डिवाइड किया, और थर्ड रो को अगर हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो सी से बाहर डिवाइड किया, तो बाहर वन अपॉन में ए बी सी भी आ गया. अब हमने क्या करना है कि जो रो को क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, तो वही जो है हमारे को कॉलम्स में से निकालने भी हैं. तो फर्स्ट वाले कॉलम में से हम ए कॉमन निकाल लेते हैं, और सेकंड वाले में से जो है बी जो है बाहर निकाल लेंगे, और थर्ड वाले में से सी बाहर निकाल लेंगे. तो इस का लिए क्या है कि सी वन की जगह वन अपॉन में ए सी वन, सी टू की जगह वन अपॉन में बी सी टू, और सी थ्री की जगह वन अपॉन में सी सी थ्री जो है लिख देंगे. तो जो है बाहर जो है, क्योंकि हम इसमें अंदर डिवाइड कर रहे हैं इसलिए बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले को क्योंकि ए से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए बाहर ए मल्टीप्लाई में कर दिया, तो माइनस ए बी सी को ए से डिवाइड किया तो माइनस बी सी आ गया. इसी तरह से ए स्क्वायर बी को ऐसे किया तो ए बी, और ए बी सी को ऐसे किया तो प्लस के बी सी. इसी तरह से ए स्क्वायर सी को ऐसे किया तो ए सी, और ए बी सी को ऐसे किया तो प्लस के बी सी. इसी तरह से सेकंड वाली में से बी कॉमन निकालेंगे तो बाहर बी डिवाइड करेंगे, जैसे अंदर बी से डिवाइड करेंगे तो बाहर बी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर को बी से किया तो ए बी आ गया, और ए बी सी को बी से डिवाइड किया तो ए सी आ गया. इसी तरह माइनस के ए बी सी को बी से डिवाइड किया तो माइनस के ए सी आ गया, और बी स्क्वायर सी को बी से किया तो बी सी, और ए बी सी को बी से किया तो ए सी आ गया. इसी तरह से थर्ड वाली जो कॉलम है उसको सी से डिवाइड करेंगे तो ए सी प्लस ए बी आएगा, और बी सी स्क्वायर को सी से करेंगे तो बी सी, और ए बी सी को सी से करेंगे तो ए बी आएगा. इसी तरह
ऐसे माइनस के ए बी सी को सी से डिवाइड करने से माइनस के ए बी आते हैं, तो ये ए बी सी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब आप देख रहे हैं कि जो है पावर्स वाले मतलब स्क्वायर वाले जितने भी थे वो ख़त्म हो गए हैं और हमारे पास उसी तरह के लगभग आ गए हैं जैसे कि हमें राइट साइड में चाहिए थे। अब हमारे को उनको चेंज करना है, तो अब हम क्या करते हैं कि आर वन की जगह आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो है लिखेंगे। तो तीनों रोज़ को फर्स्ट रो में जो है जैसे के ऐड करके लिखते हैं, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस जो है सी ए इस तरह से आ जाता है, ए बी प्लस बी सी, और ये ए सी या सी ए जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी के सेकंड रो और थर्ड रो के जो भी एलिमेंट होंगे वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। यहाँ भी देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी आपके पास है ए बी लिख दिया, बी सी यहाँ रहा तो ये प्लस के बी सी, और एक ए सी जो बचा था वो ए सी लिख दिया। इसी तरह से सेकंड रो के और थर्ड रो के जो है इस कॉलम वाले बाकी के लिख देंगे। अब थर्ड वाले में जो है अगर आप इसमें देखेंगे कि ए बी और ए बी कैंसिल हो गए तो हमारे पास एक ए बी बचा जो है, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गए थे तो एक ए बी बचा तो प्लस के ए बी बच गए, और इसी तरह से बी सी और ए सी तीन आ गए हमारे पास, और ये बी सी प्लस ए बी लिखा और इधर माइनस के ए बी सेकेंड और थर्ड रो वाले सेकेंड और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट लिख देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट हैं तीनों के तीनों कॉलमों में फर्स्ट वाली रो के जो भी हैं वो सभी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हैं या सी ए भी कह सकते हैं, तो इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो कॉमन आउट करेंगे इसको तो आर वन जो है अब में से लेके तो हमारे पास जो है फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जो हैं वो वन हो जाएंगे, और फिर जो है हम कॉलम्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके इसको जो है 3/3 से 2/2 के डिटर्मिनेंट में बदल देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे फर्स्ट जो रो है वो तो 1 1 1 हो जाएगी, सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ जैसी है वैसी की वैसी लिख दी जाएगी। तो ये जो है इसका स्वरूप बना, इस तरह से ये हम इसको लिख देते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाली रो में 3 1 है 3 1 है, तो हम अगर जैसे फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट रो में 2 0 हमारे को मिल जाएंगे। तो सी टू की जगह हम सी टू माइनस सी वन कर देते हैं, और सी थ्री की जगह सी थ्री माइनस जो है सी वन कर देंगे। तो इससे जो है हमारे को जो है नया जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इस रूप में आएगा कि आपका डिटर्मिनेंट ये चेंज हो गया, यहाँ आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो पहले से ही बाहर था, और जो है ए यहाँ पर जैसे पहले वाले कॉलम को तो एज इट इज़ लिख दिया हमने क्योंकि इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज़ उतार दिया। अब जो है फर्स्ट वाले को सेकंड में से करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और ए माइनस के ए सी में से ए बी प्लस बी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के ए सी यानी कि माइनस के सी ए भी कह सकते हो आप, वो आ जाएंगे। इसी तरह से बी सी प्लस ए सी में से ए सी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी जो है वो कैंसिल हो गया और बी सी भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अब थर्ड वाले में से करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, बी सी प्लस ए बी में से ए बी प्लस बी सी गया तो 0, और माइनस ए बी में से ए सी प्लस बी सी घटाएंगे तो माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के ए सी आ जाते हैं। अब इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें 2 0 हैं इसीलिए सिर्फ 1 के लिए एक को जो कोफैक्टर है वही आएगा एक्सपेंड करने पर, और यह 2/2 की डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। तो इसको जो है हम इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर जो है आप ये माइनस के ए बी माइनस बी सी और माइनस के जो है सी ए लिख सकते हैं, और ये 0 और इधर भी 0, और ये माइनस के भी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब जो है इसको जो है आप सॉल्व करते हैं तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आने पर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दोनों में आ जाएगा, और माइनस माइनस जो है माइनस वन कॉमन लेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए और यहाँ आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है दो बार मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर और माइनस के ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये स्क्वायर जो है पहले वाले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई होके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्यूब हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से होगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्यूब है, वो यही जो है हमारे को प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें।